हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सौम्या खत्री और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आप लोगों के साथ। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ लुक, करवा चौथ पे कैसा मेकअप करें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं रखने वाली हूँ आज का मेकअप बहुत ही बेसिक, जो कि आप रियलिटी में कर पाओ। करवा चौथ है, आप लोग अब बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे लैशेज लगाना और पूरा ऐसे बिल्कुल शिमरी ग्लिटरी आई मेकअप करना, बट पर्सनली करवा चौथ पे मैं, जैसे मेरा ये सेकंड करवा चौथ है, तो अपने फर्स्ट करवा चौथ पे जब मैंने मेकअप किया था तो मैंने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी ना मेरा या तो फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं बहुत ऐसे डाउन सी फील कर रही थी, कुछ खाया नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं ऐसे लैशेज लगाऊँ। या वैसे भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमें ऐसे साथ वाले घर में या ऐसे दो तीन घर छोड़ के हमें वहाँ पे पूजा करने जाना होता है, तो वो थोड़ा सा ओवर लगता है कि आप ऐसे मतलब पूरा ऐसे लैशेज वैशेज लगा के पूरा ऐसे पार्टी मेकअप करके जाओ। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो मुझे थोड़ा सा सिंपल और सटल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी ताकि हर कोई उसको इजीली कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं अपने इस सूट के बारे में। ये मेरा जो सूट मैंने आज पहना हुआ है, ये आउटफिट मैंने बनवाया था अपने पिछले करवा चौथ पे। ये मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया था और उसके ऊपर ये पूरा हैंडवर्क कराया था यहाँ पे गले गले पे, हाथों पे मैंने कुछ नहीं करवाया था, सिर्फ गले पे काम कराया था। और नीचे ये अनारकली स्टाइल है। और इसके साथ जो मेरा दुपट्टा है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, वो मेरा वो दुपट्टा है जो मैंने अपनी शादी के टाइम पे, मतलब मुझे चुन्नी चढ़ाई में मिला था, मैंने उसके साथ ही ये सूट बनवाया था। वो भी मैं इस करवा चौथ पे भी ओढ़ूंगी, ऐसे रिचुअल होता है। तो सोया, तो इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा चलते हैं अपनी वीडियो में। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। बाल बांध लेती हूँ क्योंकि बांधे बिना ना हो नहीं पाता मेकअप। ये मैंने ना अपने फ्लिक्स खुद ही कट कर लिए थे घर पे। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने ना बाल ही इतने इतने करा लूँ, इतना हेयर कट करा लूँ, कराऊँगी मैं अभी, एक्चुअली घर में शादियाँ हैं तो उसके लिए आई वॉज थिंकिंग कि कोई हेयर स्टाइल बन नहीं पाएगा फिर ढंग से, इसलिए मैंने कुछ नहीं कराया। तो अब मैं नवंबर के बाद आई एम थिंकिंग कि मैं इतने करा लूँ। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है उस पर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे इतने करा लेने चाहिए। मेरा तो बहुत मन है कराने का, क्योंकि मैंने ना मतलब बहुत टाइम से, आई गेस पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, मैं शायद 7th 8th क्लास में थी तब से मैंने अपने बाल लंबे ही रखे हैं और मैंने अपना कोई नया लुक देखा ही नहीं है। तो अब मुझे ऐसे हो रहा है कि मुझे ना कुछ डिफरेंट चाहिए अपनी लाइफ में। तो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी नायका का फेशियल ऑयल, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फेशियल ऑयल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इसको। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एले गर्ल का कंसीलर इन द शेड येलो। तो इस कंसीलर को हम अप्लाई करेंगे अपने डार्क सर्कल्स पे और अपने मंकी माउथ के अराउंड, क्योंकि एरिया मेरे फेस पे मुझे थोड़ा डार्क लगता है। इसको मैं पहले अपनी फिंगर से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मेरी फिंगर से मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लेंड करना, बहुत ही ईजिली और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, अच्छे से टाइम देंगे और इसको ब्लेंड करेंगे और कंसीलर को पूरा सेट कर देंगे। तो मैं पहले कर लेती हूँ अपना आई मेकअप, क्योंकि अगर आई मेकअप मैं बाद में करूँगी, ये मेरा पर्सनल वो है, अगर मैं आई मेकअप बाद में करूँगी तो अगर कुछ भी फॉल आउट होगा तो मेरा बेस ख़राब कर देगा। तो मैंने कंसील कर लिया है, अब मैं करने जा रही हूँ अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप करने के लिए आपके पास जोन सा भी पैलेट है आप वो निकालिए और वो यूज़ कर लीजिए। और उसमें से हम लेंगे ब्राउन शेड, अगर आपका कुछ भी रेड से रिलेटेड या रस्ट या कोई भी ऐसा कलर है, पिंक में है तो आप पिंक में जा सकते हैं, नहीं तो आप ब्राउन में कलर ले सकते हैं। तो ब्राउन में कोई भी आप शेड ले लीजिए और उसको अपनी क्रीज एरिया में हम अप्लाई करेंगे। और हाँ, अगर आपको इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए कलर का तो आप अपनी आइज़ को भी कंसील कर सकते हैं, मुझे इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसलिए मैं अपनी आइज़ को कंसील नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसमें से ले रही हूँ ब्राउन कलर, ये वाला कलर लेके उसको टैप कर लेंगे और अप्लाई करेंगे क्रीज एरिया में। ठीक है, अब हम हल्का सा लेंगे डार्क शेड, ब्राउन का ही डार्क शेड लेंगे, ये वाला, आपके पास जोन सा भी है उसमें डार्क शेड आप ले सकते हैं।
और अपने आउटर कॉर्नर पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसे। आउटर कॉर्नर में, आउटर वी में अप्लाई करने के बाद जब इस ब्रश में कलर ख़त्म हो जाएगा तो उसको ब्लेंड करने के लिए हम हल्का सा बैक एंड फोर्थ मोशन में उसको अप्लाई करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ऐसा ही सेम हम दूसरी आईज़ पे भी करेंगे। अब हम आगे लगाएंगे एक ग्लिटरी से कलर। मैंने लिया एक फ्लैट सा ब्रश जिससे कि मैं अपने इनर कॉर्नर से अपने आईलेड की तरफ आते हुए मिडल तक इसको अप्लाई करूँगी शिमर को। तो शिमर मैं ले रही हूँ क्रीम से कलर में, जिससे कि क्योंकि मेरा जो सूट है वो रेड कलर में है, अगर ये पिंक में होता तो मैं पिंक शेड में जाती। कॉर्नर से एक लाइन बनाते हुए आएंगे। अगर आपको बहुत कम चाहिए तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, बट हम इसको हल्का सा ज़्यादा करेंगे। लाइनर के लिए मैं यूज़ करूँगी कीको का लाइनर। तो लाइनर बिना मिरर के लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया है। ये हम इसके बाद अप्लाई करेंगे मस्कारा। मस्कारा मैं सिर्फ यूज़ करूँगी अपनी अपर लैश पे। यह है कोलोसल मेबलिन का और खाली अपर लैश भी अभी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लैशेस नहीं लगाने वाले हैं, तो हम अच्छे से मस्कारा का कोट लगाएंगे, 2-3 कोट लगा लेंगे। अभी सिर्फ अपर लैश लाइन पे इसलिए लगाया है क्योंकि अभी मैंने बेस करना है, तो अगर मैं मस्कारा पहले अप्लाई कर लूँगी तो पूरा ब्लैक ब्लैक यहाँ पे फैल जाएगा क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा। मैं अप्लाई करूँगी अपनी फेसेस के फाउंडेशन। बाद हम अप्लाई करेंगे इस पर क्रीम हाइलाइटर, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड न्यूट्रलाइज़र। लेट इट सिट फॉर 1 or 2 मिनट्स। इतने हम कर लेते हैं अपनी कॉन्टोरिंग। तो मैं एक लाइट सा शेड लेके ब्राउन में कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं अपने इस एरिया में भी हाइलाइटर अप्लाई करने वाली हूँ। अब हम लगाएंगे लूज पाउडर जो कि है फ्रॉम PAC, इसका नंबर है 11। ये है ट्रांसपेरेंट, मतलब वाइट में है ये। स्टॉप करूँगी अभी 2-3 मिनट के बाद, इसको छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए हम लोग। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं एक लूँगी डार्क ब्राउन सा कलर, जो भी आपकी आईब्रोज़ का कलर है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो आप ब्लैक कलर ले सकते हैं, वैसे ब्लैक ना करें तो ज़्यादा सही होगा क्योंकि एकदम ऐसे वो फिर बहुत अजीब सा लगेगा, ओवर लगेगा। तो ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर आप ले सकते हैं। अगर लाइट हैं आपकी आईब्रोज़ तो लाइट कलर ले सकते हैं, लाइट ब्राउन में। ठीक है, तो हम ये ले लेंगे एक फ्लैट ब्रश पे। वैसे मेरे पास आईब्रो फिलर्स हैं, बट मैं आपको इसलिए इससे बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास वो हों, इसलिए हम अगर आपके पास आई शेडो पैलेट है तो आप उसमें से कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हम लगाएंगे जो ये आईब्रो बोन है, इसके नीचे हाइलाइटिंग बोन है, यहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। तो मैं हल्का सा हाइलाइटर लेके अपने फिंगर पे यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही कम।
मैंने लिया एक फ्लफी सा ब्रश और इससे मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी सारा। तो ब्लश ऑन लगाने के लिए, अगर आपके पास ब्लश ऑन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अलग से लेना है, तो आपके पास कोई भी पिंक लिपस्टिक हो, रेड लिपस्टिक हो, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हम अप्लाई करेंगे इसे, ठीक है, फिर से नोज़ पे, चिन पे। इसको फिर अपने हाथ से ही हम करेंगे ब्लेंड। बहुत ही सटल सा लुक आता है इससे, तो अगर आप इसको थोड़ा सा हैवी करना चाहते हैं और आपके पास पाउडर वाला ब्लश है तो हम उसमें से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें से एक पिंक कलर ले लेती हूँ। अब हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। मैं ये कलर्स यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए। ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट है। अब एट लास्ट लिपस्टिक के लिए मैं एक लिप लाइनर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि है फ्रॉम फॉरएवर 52 और इसका नंबर है F615। ये बहुत ही न्यूड शेड है, मतलब बहुत ही अच्छा न्यूड शेड है। मैं इसके अंदर लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दो कलर, जो कि है फ्रॉम रिकोल्ड, एक है संडे और एक है टेडी डे। उन दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ। इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी एस्टी लॉडर की ये वाली लिपस्टिक। इसमें थोड़ा सा ग्लॉस है जो कि बहुत ही अच्छा फिनिश देगा। तो मेकअप हो चुका है कंप्लीट। अब मैं अपने इयररिंग्स पहन लेती हूँ, बिंदी अप्लाई कर लेती हूँ, दुपट्टा लेके फुल लुक के साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ। गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसको अगर रिक्रिएट करेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना मत भूलना, मुझे अपना लुक ज़रूर भेजना कि आप लोगों ने इसको कैसा रिक्रिएट किया है। सो मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करी है। जो आई मेकअप होता है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है। आई मेकअप को मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करी है ताकि आप लोग उसको रिक्रिएट कर पाओ, ईजिली आप लोग अपना मेकअप क्रिएट कर पाओ। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।